हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? तो देख सकते हैं रेडमी नोट 5 है और इसमें आप लोग को मैं बता देता हूँ पासवर्ड लॉक हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं इसका पासवर्ड रिमूव करके दिखाऊंगा और साथ में इसमें FRP लॉक भी आएगा, तो उसे कैसे रिमूव करना है तो आज की इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखते रहिए। बहुत लोग को आता भी है किस तरह से जो है पासवर्ड रिमूव किया जाता है और जिन लोगों को नहीं आता तो वो लोग वीडियो को पूरा देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जो इसका पासवर्ड रिमूव करके दिखा दूंगा। यदि आपके फ़ोन में पैटर्न या पासवर्ड जो भी है सारा रिमूव हो जाएगा तो आपका डाटा भी इसमें डिलीट हो सकता है, तो आप लोग अपने डाटा को बैकअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको जो है PC से जाके करवाना होगा, लेकिन तब पर भी नहीं हो पाता, आपका डाटा इरेज होगा ही। तो आप लोग चलिए मैं इसे जो कैसे करना है तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। हमने सारा मेथड ट्राई कर लिया, वहाँ पे बताया जा रहा था वॉल्यूम अप पावर की और एक साथ प्रेस करने से आपको रिकवरी मोड यहाँ पे रिकमेंड हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा कैमरा हिल गया क्योंकि मैं अपने शॉप पे ही बैठ के वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ जैसे अभी बैठ के बता रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पे वाइप डाटा का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वॉल्यूम डाउन की से और इस समय उसके बाद आप लोग यहाँ पे वाइप ऑल डाटा कर देंगे, कन्फर्म पे इस पर क्लिक करेंगे, आपको पावर की और वॉल्यूम अप डाउन की का हेल्प लेके इसे जो है इरेज कर देंगे। आपके जो फ़ोन में डाटा होगा पैटर्न पिन या पासवर्ड वो सब निकल जाएगा, तो काफ़ी ईजिली से ये जो हो जाता है। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग को इसी तरह का मोबाइल अनलॉकिंग कंटेंट अपने इसी चैनल टेक्निकल दीपक 2020 भेजता रहता हूँ। तो यहाँ पे MIUI 11 है, रेडमी नोट 5 है, तो ये जो है फ़ोन हमारा अनलॉक हो चुका है, इसका पासवर्ड डिलीट हो चुका है और इसमें जो पैटर्न पिन रहता है और आपका डाटा इरेज हो चुका है। और आप लोग को मैं अनलॉकिंग टूल के ऊपर भी वीडियो ला के देने लगा हूँ और बहुत सारे टूल के ऊपर अभी वीडियो बनानी बाकी है, तो आप लोग चैनल बने रहे और रेगुलर वीडियो देखा करें। और मेरा एक और चैनल है सेकेंड लक, प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा वो भी चैनल है। तो यहाँ पर हम लोग अभी दिखा रहे हैं कि इस फ़ोन में FRP लॉक है कि नहीं, तो अभी इसमें जैसे ही आगे बढ़ेंगे और काफ़ी इजली जो है बिना किसी ऐप के भी आप लोग इसका FRP निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बना दिया हूँ तो उसे भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। FRP लोग इसका Redmi Note 5 Pro में यदि आपका आ रहा है तो कैसे रिमूव करना है तो आप लोग काफ़ी इजली उस वीडियो देख के कर लेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने का काम नहीं है, बस कुछ जो है ट्रिक है उसमें आप यूज़ करिएगा, आपका काफ़ी इजली हो जाएगा। तो अभी लेटेस्ट में वही ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप सेटअप कंप्लीट करेंगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे मांग रहा है इसमें ईमेल आईडी है, तो अभी हमने जो है वाईफाई नहीं किया था, नहीं तो उस समय ही आ जाता ऑप्शन ईमेल आईडी मांगने वाला, लेकिन अभी इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो है पासवर्ड या ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करना होगा तभी जाके फ़ोन पूरा कंप्लीट ऑन होगा। तो ईमेल आईडी जिस फ़ोन में जो रहता है ऑलरेडी चल रहा था वही डालना पड़ेगा, आपको कोई नया नहीं डालना पड़ेगा, नया ऐड भी नहीं होगा। तो वीडियो को चलिए एंड यहीं पे करते हैं और तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलते हैं। आप लोग FRP लॉक एंड स्क्रीन में भी आ जाएगी, तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए, बाय।